At Barjiri village, an experiment to go digital. Brand new ATMs and POS machines. 35-year-old Sanju Verma has been running this mobile and agro product shop for a decade now. The POS machine has given his business some respite from demonetization. थोड़ा सा 10-15% इससे अपने को मार्जिन हो गया है. वैसे तो बहुत नीचे गया बिजनेस, अभी 2 महीने होने वाले. बहुत बिल्कुल कि ग्राहकों के पास पैसे नहीं है, सबसे बड़ी बात है. Among the young, many takers for plastic money, but the older generation remains unsure. सर उससे फायदा यही है कि कोई चीज अगर खरीदना है तो पैसे के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा. अगर अपने पास कार्ड है तो तुरंत उसी से अपना जो है जो सामान खरीदना खरीद सकते हैं. नहीं इससे मेरे को फायदा नहीं. कार्ड है हमारे पास, हमने निकालना 5,000 रुपये और अब 5 की जगह 6 हो गए, दबा गए या कोई चीज़ हो गई या हमको जानकारी नहीं, हमें निकालना है और वो नहीं निकले तो फिर क्या करेंगे उस वक्त. द फर्स्ट स्टेप मे हैव बीन टेकन हियर टू गो डिजिटल बट चैलेंजेस रिमेन. जनधन में खाते खुलवाए गए हैं और छोटी बड़ी दुकान करके 20-22 दुकान ग्राम में है. सबको कैशलेस मशीन दी गई है. दुकान इस बार भी कार्ड नहीं है, वेट कर रहे हैं. हाँ नहीं, बस इस हफ्ते में आने का है उनका. अधेड़ उम्र के लोग हैं, वो अभी भी संकोच कर रहे हैं. नहीं, एक दो बार वो इस्तेमाल करेंगे, उनकी शंका दूर हो जाएगी. Over half of the shops here in Barjiri are yet to receive their POS machines, and many of the villagers who have little or no education are still reluctant to use plastic money. Perhaps it will take some more days for this village to become digital village in true sense. In Barjiri, with camera person Rizwan Khan, Siddharth Ranjan Das for NDTV.